क्या आप लोग पढ़ने का सही मेथड जानते हैं? पढ़ने का साइंटिफिक तरीका क्या है जिससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं? हे फ्रेंड्स, दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ने का एक सही तरीका, सटीक मेथड बताने वाली हूँ जो साइंटिफिक ने प्रूव कर रखा है किसी भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक समझने के लिए और याद रखने के लिए। हम शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समझना और एक होता है याद करना। ध्यान से सुन ले, एक होता है मेमोरी जो आप लोग लर्न करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। तो ये है आपका मेमोरी जो आपने याद किया है, लर्न किया है, और दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं पढ़ने के बाद। एक चीज़ होता है कि आपको समझना, अगर वो चीज़ आपने समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, आपको समझ में आ गई, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरी चीज़ है मेमोरी। आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई फिर भी आप उसको याद कर लेते हैं या कह सकते हैं रट लेते हैं। जैसे मैथ का कोई सवाल है, ठीक है, 2x + y + z = something something, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको ये चीज़ समझ नहीं आई लेकिन आपने क्या किया, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा = 0 होगा, इसको 4-5 बार पढ़ लिया और उसके बाद आपने इसे समझा नहीं, आपने इसको क्या कर लिया, मेमोरी में स्टोर कर लिया यानी याद कर लिया, और कुछ समय बाद आप इसे भूल जाएंगे क्योंकि आपने उसे मेमोरी में स्टोर किया है, ना कि उसे समझा है। तो बेटर थिंग क्या है, समझना। अब समझने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, सबसे पहले जो साइंटिफिक तरीका है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, जिन्होंने ये प्रूव किया था, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी भी दी थी कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, तो वो मेथड है RRT। अब ये RRT क्या है, ये है रीड, आर रीड आर रीड राइट टीच, RWT। दिस मेथड इज कॉल्ड RWT मेथड। व्हाट इज दिस RWT मेथड, दिस इज रीड राइट एंड टीच मेथड। व्हाट इज रीड राइट टीच मेथड, आई एक्सप्लेन यू। रीड, सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है RWT में, सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट पे जाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है, यानी कि क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वो मैथ्स की कोई थ्योरम हो सकती है, वो साइंस का कोई लॉ हो सकता है, वो हिस्ट्री का कोई चैप्टर हो सकता है, उसको आपको रीड करना है। अब आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने जो रीड किया है, जो पढ़ा है, आप वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, W करना है। W में क्या करना है, अपनी बुक कॉपी सब कुछ बंद कर दीजिए, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उस ब्लैंक पेज में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समझा है, उसे यहाँ पे लिखना है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में सिंपल लिखना है, जो भी आपको समझ में आया। लेकिन अगर जैसे आपने मैथ की कोई थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम का हिंदी में क्या आपने समझा, ठीक है, दो साइड्स को हमने जोड़ा तो वो तीसरे के बराबर होगा, जो भी आपको समझ में आया उसको यहाँ पे लिखना है। हो सकता है आपने जो पढ़ा था उसका 50% ही आप यहाँ पे लिख पाएं, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री का आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको आपको लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, वो आधी चीज़ें आपको यहीं पर पता चल जाएंगी क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। अब आपको वापस स्टेप 1 पर जाना है और दोबारा से क्या करना है, रीड करना है, फिर से उस चीज को पढ़िए, दोबारा से खोलिए अपने नोट को और दोबारा से स्टेप 1 पे जाइए, दोबारा से उसको रीड करिए। अब जब आप रीड करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे, जो चीजें आप नहीं लिख पा रहे थे उन चीजों को टारगेट करेंगे और उसके बाद जाके आपको क्या करना है, दोबारा से आप लिख के देख सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की ओर, यानी कि 3rd स्टेप में क्या करना है। स्टेप 3 में आपको करना है T, रीड राइट आप कर चुके हैं,
टी का मतलब है टीच, आपको टीच करना है, पढ़ाना है। आप बोलेंगे हम किसे पढ़ाएंगे, तो आपको अपना टीचर खुद बनना है, सेल्फ अपना टीचर खुद बनना है, सेल्फ अपना टीचर बनना है। आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, आपको ये काम करना है कि आपको एक ऐसा इंसान लेना है, ऐसा बच्चा लेना है, ऐसा स्टूडेंट लेना है जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको इनर्शिया समझाना है, ठीक है, साइंस का लॉ होता है इनर्शिया, अगर आपको मैं कहूं कि आपको इनर्शिया समझाना है कि इनर्शिया क्या है, अगर आप एक नाइन्थ के स्टूडेंट को समझाएंगे तो वो समझ सकता है क्योंकि वो आपकी क्लास से है, वो साइंस जानता है, मैथ जानता है। लेकिन आप ऐसे इंसान को समझाना है जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे पता नहीं कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, उसको समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? अपनी बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि उसे इनर्शिया वर्ड ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसा स्टूडेंट लेना है, आप अपने से छोटा बच्चा, जैसे अगर आप नाइन्थ में है तो फिफ्थ क्लास का एक स्टूडेंट ले लीजिए, या कोई ऐसा आपके आसपास जो स्कूल नहीं जाता या जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आप उसको बोलिए कि अब मैं आप तुझे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ, ठीक है, और उसको अपनी भाषा में कि हम इस ये एक दीवाल है, इस दीवाल पे अगर हम धक्का मारते हैं तो ये दीवाल भी हम पे धक्का मारती है बराबर का, और इसी वजह से ये चीज़ हिल नहीं पाती, इसे साधारण भाषा में समझाओ। अगर वो समझ जाता है तो इसका मतलब है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। इसके लिए आपने क्या किया, RWT, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रीड किया, उसके बाद लिख के देखा, जब आप सही नहीं लिख पाए तो दोबारा जाके रीड किया, फिर लिख के देखा, फिर आप जाएंगे टीच करने के लिए। और अगर टीच करते वक्त अब आपका जो भी गैप रह गया, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, अब टीच करते वक्त आपको पता चल जाएगा, अगर आप नहीं समझा पा रहे या आपका कॉन्फिडेंट लो हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं पता हैं, आप फिर से रीड करेंगे और फिर टीच करेंगे, और इसके बाद जो आपने चीज़ें समझी, अब वो अगर आप पढ़ाने में समझाने में बिल्कुल सक्षम है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 100% आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, एंड यू कभी भी आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने वाले हैं, यानी 100% आप अब उस चीज़ को समझ चुके हैं। और अगर आप दो या तीन लोगों को इस चीज़ को समझा देते हैं तो आपको ये कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कभी भी याद रख सकते हैं और कभी भी समझा सकते हैं। तो ये था RRT मेथड, आप इसको आज ही ट्राई करें, क्योंकि देखिए आपको जब तक RWT को आप फॉलो नहीं करते तो आप सिर्फ पहले स्टेप पे अटके रह जाएंगे, रीड करेंगे और यहाँ से याद कर लेंगे और फिर भूल जाएंगे। जब आप लिखते हैं ना तो आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, और जब आप टीच करते हैं, इसीलिए कहते हैं जो टीचर होता है वो जब पढ़ता है तब वो कम समझता है, लेकिन जब वो टीचर बनता है तो वो ज़्यादा चीज़ें सीखता है, क्योंकि वो रोज़ बच्चों को सिखाता है और वो रोज़ सीखता है। इसलिए अपना टीचर खुद बनिए और keep a smile and try this RWT method and mention in comment session जो भी आप experience करते हैं किसी भी topic पे, ज़रूर इसको try करके देखें।